मोदी सरकार साल भर के भीतर एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस सुविधा से लाभार्थी देश के किसी कोने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से अनाज प्राप्त कर सकता है। काम के अवसरों की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले श्रमिकों के लिए यह योजना बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ देने से इस प्रणाली में चोरी और धांधली रोकने में जबरदस्त सफलता मिली है। यह योजना आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में लागू है, जहां इसे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम IMPDS के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक लाभार्थी राज्य के किसी भी जिले से अपने हिस्से का खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। अन्य राज्यों ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द IMPDS को लागू कर दिया जाएगा। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने देश भर के खाद्य सचिवों की एक बैठक गुरुवार को दिल्ली में बुलाई गई, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार की नई योजना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को शुरू करने की बात कही। इस मौके पर केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि इस योजना से उपभोक्ताओं को किसी एक दुकान से बांध कर नहीं रखा जा सकता है। राशन दुकानों की मनमानी और चोरी को बंद करने में बहुत मदद मिलेगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड NTC जारी करने का ऐलान किया है। इस कार्ड का इस्तेमाल पूरे भारत में यात्रा के दौरान किया जा सकेगा। इसका इस्तेमाल बस, रेल और पार्किंग के किराए का भुगतान करने के लिए किया जा सकेगा। NTC कार्ड को रुपे कार्ड की मदद से चलाया जाएगा। इसके साथ ही NTC में MRO यानी मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर और ऑपरेट की सुविधा भी दी जाएगी। मोदी सरकार ने देश में तेजी से बढ़ती आबादी और यातायात को सुगम बनाने के लिए इसे लाने का फैसला किया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक और बड़ा ऐलान किया है, जो पैन कार्ड और आधार कार्ड से जुड़ा है। वित्त मंत्री ने संसद में बजट पेश करते हुए बताया कि पैन कार्ड और आधार कार्ड में आपसी अदला बदली की गई है, यानी अब अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं होगा तो उसकी जगह आधार नंबर इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, वे आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आम करदाताओं को कर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा के लिए उन्हें पहले से भरे हुए रिटर्न फॉर्म उपलब्ध कराने की सुविधा भी दी जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। मोदी सरकार की इन योजनाओं के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप हमारे चैनल अपना इंडिया पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।